हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यस, मैंने सेकंड पार्ट भी आज ही डाला है, इसीलिए इन वीडियोस को प्रिपेयर करने के लिए थोड़ी सी देर लगी थी, इसीलिए इतने टाइम से इस चैनल पे वीडियो नहीं आया। सो ये हेल रेजर का सेकंड पार्ट है जो 1988 में रिलीज हुआ था। दोस्तों देखिए, ये मूवी स्कैरी कैटेगरी में है, बट मुझे ये स्कैरी नहीं लगती, मोर ऑफ अ स्लैशर है और उस जमाने में आई थी तो इसीलिए काफी फेमस हुई थी। हेल रेजर हेल बाउंड 2 मूवी के डायरेक्टर है टोनी रैंडल एंड इसका स्क्रीन प्ले क्लाइव बार्कर इन्होंने किया है। मूवी की कहानी इसके फर्स्ट पार्ट से कंटिन्यू हो रही है, सो प्लीज अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिए। सो मूवी की कहानी शुरू होती है एक हिंदी न्यूज के साथ। जी हाँ, ये वक्त है ब्रिटिश इंडिया का, जहाँ पे हम एलियट स्पेंसर नाम के मिलिट्री ऑफिसर को देखते हैं। वो अपने टेंट में बैठा हुआ था, उसके हाथ में भी लेम कॉन्फ़िगरेशन यानी वो पजल बॉक्स था। वो उसे खोलने की कोशिश करता है और वैसे ही अचानक से पूरा माहौल बदल जाता है। एक डरावना सा साया आसपास से गुजरता है और एक अजीब से सन्नाटे के साथ वो बॉक्स खुलता है और बॉक्स से आती है कई सारी चेन्स जो सीधा स्पेंसर के चेहरे और पूरे शरीर को जकड़ लेती है। वो लैब्रिथ के उसी दुनिया में खींचा चला जाता है और वहाँ पे कई वक्त तक उसे टॉर्चर किया जाता है। उसके पूरे चेहरे पे खील ठोकी जाती है और वैसे ही दोस्तों स्पेंसर सिनेमाइट में कन्वर्ट होके पिनहेड यानी उनका लीडर बन जाता है। पिनहेड ये दरअसल उस दुनिया का प्रीस्ट रहता है। अब आते हैं प्रेजेंट में। दोस्तों लास्ट पार्ट में हमने देखा था फ्रैंक और जूलिया को सिनेबाइट्स पकड़ लेते हैं। जी हाँ, जूलिया भी उस बेड पे मरने से पहले उसे सिनेबाइट ने पकड़ा था और वो भी उनकी दुनिया में कैद थी, लेकिन वो जिस मैट्रेस पे गुजर गई थी वो मैट्रेस अभी भी घर में ही पड़ा था। तो यहाँ पे क्रिस्टी साइकाइट्रिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट थी, जहाँ पे हम डॉक्टर शेनार्ड, डॉक्टर कायल और पुलिस डिटेक्टिव को देखते हैं। वो उसकी तहकीकात कर रहे थे क्योंकि इसके घर पे इतने सारे लोग एक साथ मारे गए थे, उसका कारण क्या है। और तभी डिटेक्टिव को पुलिस का कॉल आता है कि इनके घर में खून भरा मैट्रेस मिला है, क्या उसे नष्ट कर दे या सबूत के तौर पे लेके जाए। लेकिन मैट्रेस का नाम सुनते ही क्रिस्टी बहुत ही डर जाती है और उसे याद आता है कि जूलिया उसी पे गुजर गई थी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि इस मैट्रेस को कैसे भी नष्ट कर दो, वरना जूलिया वापस आ सकती है, उसका पुनर्जन्म हो सकता है पृथ्वी पे। पुलिस के जाने के बाद डॉक्टर शेनार्ड क्रिस्टी से सारी हकीकत सुन लेते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। तो वो उन्हें बॉक्स से लेके दूसरी दुनिया की सारी सच्चाई बताती है। यहाँ पे डॉक्टर शेनार्ड को इस दूसरी दुनिया की काफी जानकारी थी, उसे एक्सप्लोर करना था, उस दुनिया में जाना था। लेकिन उस दुनिया के अगर द्वार खोले उस बॉक्स के थ्रू तो उन्हें पता था कि सिनेबाइट्स आ सकते हैं, इसीलिए वो पुलिस को चुपके से कॉल करते हैं और वो मैट्रेस है अपने घर में लाने के लिए कहते हैं। अब उनकी ये बात कायल सुन लेता है और उसे डॉक्टर के इंटेंशन पे शक होने लगता है। दोस्तों यहाँ पे इसी हॉस्पिटल में टिफनी नाम की एक दूसरी पेशेंट थी, जो बचपन से ही पजल सॉल्व करने में दिलचस्पी रखती थी। वो पजल में इतनी खोई हुई थी कि लिटरली उसे और कुछ भी सूझ नहीं रहा था और इसी के कारण उसकी माँ ने उसे हॉस्पिटलाइज किया था। यहाँ शाम को डॉक्टर अपने घर में वो मैट्रेस लेके आता है और तभी कायल चुपके से उसके स्टडी रूम में आता है चेक करने के लिए कि वो क्या कर रहा है। वहीं पे उसे वो मैट्रेस दिखती है और वो इसी रूम में दूसरी सारी चीजें देखने लगता है। यहाँ पे लैबरिंथ दुनिया की काफी सारी चीजें थी और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था, यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही 3 और पजल बॉक्सेस रखे हुए थे। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में कहा था कि एक ही बॉक्स नहीं है, मल्टीपल बॉक्सेस है, वैसे 3 बॉक्सेस डॉक्टर के पास थे, बिल्कुल सेम डिजाइन और वार्निंग की तरह। तभी दरवाजे पे एक दस्तक होती है, इसलिए वो छुप जाता है। डॉक्टर शेनार्ड ने अपने एक मेंटली इल पेशेंट को वहाँ पे लाया था। उस बेचारे पेशेंट के शरीर पे कुछ कीड़े थे और वो बार बार उन्हें बोल रहा था कि इन्हें मेरे शरीर से निकालो। उन कीड़ों से वो डर जाता है और अपने शरीर पे घाव कर बैठता है और वो सारा खून मैट्रेस में चला जाता है। और दोस्तों तभी वहाँ पे मैट्रेस से उसे कोई खींच लेता है। उसकी सारी एनर्जी और ब्लड सींचने के बाद हम देखते हैं कि वो जूलिया थी। जी हाँ, वो वापस रेजरेक्ट हो जाती है। सामने डरे हुए डॉक्टर थे। जूलिया का जन्म बिल्कुल उसी तरह हुआ था जैसे फर्स्ट पार्ट में फ्रैंक, वो पूरी तरह ग्रोस दिख रही थी। कायल ये नजारा देख के काफी डर जाता है, तो यहाँ पे डॉक्टर जूलिया की हेल्प करते हैं। जी हाँ, क्योंकि उन्हें वो दूसरी दुनिया एक्सप्लोर करनी थी और इसीलिए डॉक्टर अपने मेंटली इल पेशेंट जूलिया को लाके देते हैं। उन्हें मारकर उनकी एनर्जी लेके, उनका खून लेके वो वापस इंसानी रूप में आने लगती है धीरे धीरे। तो यहाँ पे कायल डर के हॉस्पिटल में चला जाता है और क्रिस्टी को सब कुछ बता देता है। दोस्तों अभी यहाँ पे क्रिस्टी को लग रहा था कि उसके पिता भी सिनेबाइटिया ने उस दुनिया में कैद है, इसीलिए वो डॉक्टर के घर जाके बॉक्स चुराने का सोचती है ताकि उस दुनिया से अपने पिता को वापस लाए। और दोस्तों यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कायल उसकी मदद करने जाता है। अब यहाँ एग्जैक्टली इस मोमेंट पे मुझे पता था कि अगर कायल उसकी मदद कर रहा है मतलब जल्द ही वो बेचारा बलि का बकरा बनने वाला है।
आगे फिर ये दोनों भी डॉक्टर के घर पे चले जाते हैं उसी स्टडी रूम में। वहाँ पे क्रिस्टी को वापस कई सारे पेपर्स मिलते हैं, फाइल्स मिलती हैं जहाँ पे उस दुनिया के बारे में लिखा था, और एक इसी फाइल में उसे स्पेंसर यानी जो पिनहेड था उसका आर्मी का फोटो दिखाई देता है जो कि एक अजीब तरीके से गायब हुआ था, उसी की वो रिपोर्ट थी। वो फोटो अपने पास रखती है तो कायल घर में देखने जाता है कि कोई है या नहीं, लेकिन वहीं पे फंस जाता है क्योंकि वहाँ पे जूलिया आ जाती है और वो उसे मार डालती है। यहाँ पे क्रिस्टी कायल को ढूंढने के लिए जाती है और उसका सामना जूलिया से होता है। जूलिया क्रिस्टी को भी मारने वाली थी लेकिन तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं, उसने टिफनी को लाया था। जी हाँ, यहाँ पे टिफनी को बुला के उससे जबरदस्ती वो पजल बॉक्स खुलवाना चाहते थे ताकि अगर सिनेबाइट्स आते भी है तो भी वो उसकी शिकार बने, जिससे खुद डॉक्टर और जूलिया सेफ रहेंगे। यहाँ पे टिफनी को उस बॉक्स के बारे में या पजल क्या है क्या करता है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, और वो अपना पूरा दिमाग उस पजल बॉक्स पे लगाती है कि एग्जैक्टली क्या वार्निंग है, कैसे ओपन करना है। और थोड़ी देर में दोस्तों वो स्टडी रूम के थ्रू वो पूरा डोरवे ओपन करती है और तभी वापस एंट्री हो जाती है सिनेबाइट्स की। यहाँ पे कई सारे डोरवेज ओपन हो जाते हैं, ये देख के डॉक्टर और जूलिया उस डोरवेज के थ्रू उस दुनिया में चले जाते हैं। यहाँ पे सिनेबाइट्स आते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पे बॉक्स का एक रूल रहता है, कोई भी बॉक्स ओपन उसके लालच के लिए करता है ताकि उसकी डार्क फैंटेसी और उसका लालच पूरा हो। यहाँ पे टिफनी का कोई भी लालच नहीं होता, किसी और ने जबरदस्ती की थी इसीलिए उसने वो बॉक्स ओपन किया था। ये पिनहेड को पता चल जाता है क्योंकि टिफनी का दिल साफ होता है, कोई लालच नहीं था। इसी के कारण सिनेबाइट्स वापस लौट जाते हैं अपनी दुनिया में, लेकिन यहाँ पे वो डोरवे ओपन रह जाता है। बगैर जाने टिफनी भी अंदर चली जाती है और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे क्रिस्टी आ जाती है जिसे वहाँ पे वो बॉक्स दिखता है, और वो बॉक्स लेके खुद भी अंदर चली जाती है अपने पिता को ढूंढने के लिए। जैसे कि मैंने पहले कहा था दोस्तों, ये लेबरनथ दरअसल एक भूल भुलैया था, अंदर जाते ही इनको कई सारे रास्ते दिख जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे ये पूरा प्लेस सिर्फ भूल भुलैया ही नहीं, इनके दिमाग के साथ भी खेल रहा था। जैसे क्रिस्टी को उसे तो एक घर दिखता है, उसे ऐसे लगता है कि उसकी माँ ही कहीं आसपास है, और अचानक से इस पूरे तस्वीरों में खून आने लगता है। पूरी जगह एक डार्क प्लेस रहता है जो इंसान के दिमाग के साथ खेलने लगता है। आगे क्रिस्टी भागती है और उसे पिनहेड और उसके सिनेबाइट्स पकड़ लेते हैं, और हंसते हंसते वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि हमें किसी भी हालत में बस तुम्हें अभी टॉर्चर करना है, तुम हमारा अगला शिकार हो, तुम पूरे वक्त के लिए अब इस जगह पे फंस गई हो, और हम एक ना एक दिन तो तुम्हें पकड़ ही लेंगे, कि उसे छोड़ देते हैं। ये सारा प्लेस इन दोनों के साथ भी खिलवाड़ कर रहा था। डॉक्टर शनार्ड तो ये प्लेस देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, एज अ डॉक्टर ये उनके लिए डिस्कवरी थी। जूलिया डॉक्टर शनार्ड को बिट्रे करती है और उन्हें सिनेबाइट्स के गॉड लवायथन को देती है। पे हम लवायथन को देखते हैं, वो दरअसल एक फ्लोटिंग एंटिटी दिखाया गया है नॉवेल और मूवी में, जिसका शेप डायमंड की तरह था, जिसे गॉड ऑफ फ्लैश और मास्टर ऑफ सिनेबाइट्स कहा जाता है। दोस्तों लवायथन के बारे में काफी कुछ चीजें नॉवेल में बताई गई है, लेकिन वीडियो के लेंथ के कारण मैं उन सारी चीजों को कवर नहीं कर सकती। यहाँ पे जूलिया ने लवायथन उससे एक डील की थी कि उसे वापस अर्थ पे जाने दिया जाए, और उसके बदले में वो एक इनोसेंट इंसान का सोल लेके आएगी, इसीलिए वो आसानी से इस दुनिया को छोड़ के अर्थ पे आती है और वापस अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। पे लवायथन डॉक्टर को पकड़ता है तो उसे भी बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर कर देता है, और थोड़ी देर के बाद डॉक्टर एक अजीब ही रूप में आ जाता है और वो भी सिनेबाइट बन जाता है, और उसको कई सारे टेंटिकल्स और उन टेंटिकल्स से ब्लेड बाहर आते थे। दूसरी जगह पे क्रिस्टी और टिफनी दोनों एक दूसरे को मिलते हैं और दोनों भी अपने अपने मंजिल ढूंढने लगते हैं। उसी दरमियान क्रिस्टी को अपना पुराना घर सामने दिखता है, उसे लगता है कि उसके पिता अंदर ही होंगे, इसलिए वो खुश होकर ढूंढने के लिए जाती है। घर के अंदर कुछ अजीब ही हो रहा था, हर जगह कैंडल्स लगे हुए थे और एक ड्रॉवर्स के रूप में कुछ तीन लड़कियां बार बार अंदर बाहर आ रही थी, मानो वो जानबूझ के किसी को बहकाने की कोशिश कर रही है। किन आता है? फ्रैंक। जी हाँ, यहाँ पे ये जो छोटा सा घर था वो फ्रैंक का खुद का पर्सनल हेल था। फ्रैंक अपने पुराने इंसानों के रूप में ही था, और वो क्रिस्टी को देखने के बाद उसे बताता है कि तुम्हें जो भी सपने और बार बार जो विजन्स आ रहे थे तुम्हारे पिता के, मैं तुम्हारे माइंड को मैनिपुलेट कर रहा था ताकि तुम्हारी मदद से मैं इस जगह से निकल जाऊं। लेकिन मौका देख के क्रिस्टी उस घर में आग लगा देती है, और उसी इंसिडेंट में फ्रैंक के शरीर को आग लगती है
है और उसकी जो स्किन रहती है वो वापस जल के पूरी तरीके से निकल जाती है और वो वैसा ही स्किनलेस पूरा उसका शरीर हो जाता है। लेकिन तभी जूलिया टिफनी को पकड़ के घर के अंदर चली आती है और घर की आग बुझा देती है और वो क्रिस्टी से पजल बॉक्स भी लेती है। जूलिया को देखने के बाद फ्रैंक तो बड़ा खुश हो जाता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड यहाँ पे आई है, लेकिन यहाँ पे जूलिया उसके ऊपर गुस्सा थी क्योंकि लास्ट पार्ट में फ्रैंक ने उसे मार डाला था, तो वो भी यहाँ पे उसका हार्ट निकाल देती है और उसे मार डालती है और फाइनली फ्रैंक यहाँ मर जाता है। क्रिस्टी और टिफनी मौका देख के वहां से भाग जाते हैं, लेकिन जैसे ही घर के बाहर आते हैं एक जगह पे उन्हें काफी तूफानी बवंडर दिख जाता है और उसमें दोनों भी खींचे चले जाते हैं। कैसे तैसे क्रिस्टी खुद को बचाती है और वो टिफनी को भी बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जूलिया बॉक्स लेके आती है। उसे बवंडर के बारे में पता नहीं था और वो वहां पे जाके फंस जाती है दोनों दीवारों के बीच में। अब यहाँ पे टिफनी को पता नहीं था कि जूलिया का स्वभाव कैसा है, वो एक इविल औरत है, इसलिए वो बच्ची जूलिया को बचाने के लिए जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे इसका ट्रांसफॉर्मेशन अभी अभी हुआ था जूलिया का और उसकी स्किन भी काफी न्यू थी, इसीलिए बवंडर के फोर्स के कारण उसकी पूरी जो स्किन रहती है वो टिफनी के हाथ में रह जाती है और उसका शरीर पूरा बवंडर में खींचा चला जाता है। ये देख के टिफनी बहुत ही डर जाती है और उसकी स्किन नीचे फेंक के क्रिस्टी के साथ भाग जाती है और इसी घबराहट में वे लोग पजल बॉक्स को भी भूल जाते हैं। वो दोनों को बाहर का रास्ता तो दिख जाता है और बाहर भी जाते हैं, लेकिन डॉक्टर शनारिन का पीछा करते हुए इस साइड यानी अर्थ पे आ जाता है और वहां पे भी वो हल्ला मचाता है। तभी टिफनी को रियलाइज होता है कि अगर सारे सिनेबाइट्स को अर्थ पे आने से रोकना है तो उसे वो पजल सॉल्व करना होगा। उस पजल को दरअसल पहले पिनहेड ने उसी डायमंड शेप में किया था, उसे वो सॉल्व करने के लिए वापस क्यूब में लाने की जरूरत थी, इसीलिए दोनों भी वापस उस हेल में चले जाते हैं और तभी उनका सामना हो जाता है पिनहेड और बाकी सिनेबाइट्स से। ये क्रिस्टी का आखिरी मौका था, इसीलिए पिनहेड उसे पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन तभी क्रिस्टी पिनहेड को वो याद दिलाती है कि तुम जन्म से ऐसे नहीं हो, तुम सब लोग कभी ना कभी इंसान थे और तुम्हारा ब्रेन वॉश किया गया है कि तुम्हें इंसानों को हमेशा के लिए टॉर्चर करना है, और वो फोटो उसे दिखाती है। वो फोटो देखने के बाद उसे चीजें याद आने लगती है कि वो कौन था, उसकी पहचान क्या थी, और फिर पिनहेड क्रिस्टी को छोड़ने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी उस वक्त वापस डॉक्टर शनार्ड अपने अजीब रूम में वहां पे आते हैं और दोनों के ऊपर वो हमला करने वाले थे, लेकिन पिनहेड उसे रोकता है। पिनहेड और डॉक्टर शनार्ड के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और उसी में डॉक्टर शनार्ड उसके बाकी के सिनेबाइट्स को मार देता है। और दोस्तों यहाँ पे एक अजीब चीज होती है, जब वो मरते हैं ना तब उनका इंसानी फॉर्म वापस आ जाता है और हम देखते हैं कि जो वुमन थी वो दरअसल काफी अट्रैक्टिव लड़की थी और जो चैटर था जो सबसे खतरनाक था इनमें, दरअसल वो एक बच्चा था। यानी यहाँ पे इस बच्चे को इस हेल में डाला गया था। उसी वक्त पिनहेड अपना इंसानी रूप वापस लाता है और क्रिस्टी को भागने के लिए इशारा करता है। दोनों भी वहां से भागते हैं। आखिरी में डॉक्टर शनार्ड पिनहेड को भी मार डालता है। यहाँ पे दोनों भी भाग के जो मेन स्ट्रक्चर था लवायथन का वहां पे आ जाते हैं और वो पजल सॉल्व करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो शनार्ड आ जाता है और टिफनी के ऊपर हमला करता है। उसी वक्त क्रिस्टी भाग के चली जाती है जहाँ पे वो जूलिया की स्किन पड़ी थी वो लेती है एंड खुद पहन लेती है ताकि वो पूरी जूलिया की तरह दिखने लगे, और वो डॉक्टर शनार्ड को बहकाने की कोशिश करती है। तब तक टिफनी को वो पजल का आंसर मिल जाता है और वो उसे वापस क्यूब में बदल देती है। क्रिस्टी भी शनार्ड को मार देती है एंड वो उसका उधर ही अंत हो जाता है। पजल सॉल्व होने के बाद दोस्तों लवायथन काफी भड़क जाता है वो एंटिटी, और इन लोगों के ऊपर वो हमला करने लगता है। उनसे बचते हुए ये लोग वापस अपने मेन डोर के यहाँ पे चले जाते हैं और ये दोनों भी थैंकफुली अर्थ के दुनिया पे वापस आ जाते हैं और गेट बंद हो जाता है। कुछ दिनों के बाद ये दोनों भी काफी अपने नॉर्मल हालत में थे और दोनों वहां से निकल जाते हैं, अपने अपने रास्ते में एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पे लवायथन और सिनेबाइट्स की जो चीजें थी एक चैन वैसे ही शुरू होती है, क्योंकि डॉक्टर शनार्ड के घर में जो सामान मूव हो रहा था उसमें एक आदमी को वही खून से भरी मैट्रेस मिलती है। वो उसे देखने जाता है और तभी अचानक से उसे कोई अंदर खींच लेता है और ऊपर एक पिलर का स्ट्रक्चर आ जाता है जिसमें कई सारे सिनेबाइट्स उस पिलर पे अटके हुए थे। अब ये सारे के सारे सिनेबाइट्स पृथ्वी पे आ गए हैं और अब वो क्या तबाही मचाएंगे ये हमें थर्ड पार्ट में दिखता है। इस पिलर को पिलर ऑफ सोल कहते हैं। ये पिलर टॉर्चर डिवाइस था। इनफैक्ट ये वही पिलर है जहाँ पे पहले पार्ट में फ्रैंक के शरीर के हिस्से लटके हुए थे, और थोड़ी देर पहले चैटर यानी वो छोटा बच्चा जिस पिलर से लटका हुआ था ये वही चीज है। ये पिनहेड और बाकी सिनेबाइट्स का एक टॉर्चर डिवाइस था। इसी डिवाइस से लालची और पापी लोगों के सोल हेल में खींचते थे। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर कैसे बना इस बात को देखते हैं। सिंस ये सारे सिनेबाइट्स की मौत इसी पिलर के आसपास हुई थी, तो इनके सोल और शरीर के हिस्से भी
भी इसी पिलर में खींचे चले जाते हैं और उनका एक स्ट्रक्चर बन जाता है। अब थर्ड मूवी में इस पिलर के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया है। अब इसके 9 पार्ट्स हैं, राइट? तो लास्ट पार्ट 2018 में आया था। अगर आपको इसके सारे पार्ट्स देखने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।